जी, मैं आपसे एक चीज़ अब ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, दोषारोपण उद्देश्य नहीं है इस कार्यक्रम का, इस वजह से उस पर बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब स्थिति काफ़ी बिगड़ गई है और लगातार बिगड़ती ही जा रही है, ऐसे में किस किस्म के हल के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए, आपके सुझाव क्या हैं? क्योंकि अभी एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र केंद्र से लड़ रहा है, कोई और राज्य दिल्ली केंद्र से लड़ रहा है, केंद्र वापस पलट करके जवाब दे रहा है। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत अनुकूल स्थिति है इस समस्या से निपटने की। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब आपके देश में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है तब आप रेमडेसिविर विदेश भेज रहे हैं, जब आपके यहाँ वैक्सीनेशन की जरूरत है तब आप वैक्सीन डोज आप विदेश भेज रहे हैं, और जब हमारे जब मान लो मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो अभी हम प्रतिदिन 3,26,000 प्रतिदिन हम लोग वैक्सीन डोज दे रहे हैं, वो हमारी क्षमता है, लेकिन हमको उपलब्ध कितना हो रहा है अभी वर्तमान में हमारे पास 6,00,000 वैक्सीन है, 6-6.5 लाख, और हम यदि लगाना चाहें तो 2 दिन में लग सकता है, 1.5 दिन में लग सकता है, लेकिन हमारे सेंटर सब खाली रहेंगे, इसलिए हमने 3 दिन का प्लानिंग किया, 2-2 लाख का। अभी वैक्सीन में हम पे आरोप लगा कि हम नहीं कर रहे हैं, जबकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि 14.92% वैक्सीन हम कर चुके हैं, 88% जो हेल्थ वर्कर है उसको लगा चुके हैं, सेकंड डोज 59% लगा चुके हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं फर्स्ट डोज 85% है, सेकंड डोज 48% है, उसी प्रकार से जो 45 से 60 साल की उम्र के लोग हैं उसको 63% से अधिक हम लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, कुल मिला के यदि पॉपुलेशन के हिसाब से करें 14.92% है, तो ये देश के बड़े राज्यों में हमारी स्थान ऊपर में है, हमसे मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की तुलना करें तो बहुत पीछे है हमसे, लेकिन फिर भी गरियाने का काम हम ही को किया जाता है, हम वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जहां 7% हुआ है, उत्तर प्रदेश में तो और बुरी हालत है, तो उन राज्यों में वैक्सीन नहीं हो रहा है, लेकिन यदि हमको अब देश में जो उत्पादन हो रहा है केवल 24 लाख हो रहा है, तो उस हिसाब से तो हमको बहुत समय लगेगा वैक्सीन लगाने में, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वैक्सीन के डोज सबको लग जाए। इसका विकल्प क्या है? अभी जो सेकंड वेव आया, एक मिनट में कहना चाहूंगा, सेकंड वेव आया है उसमें अब उम्र का ये लिहाज नहीं रखा है, नौजवान भी संक्रमित हो रहे हैं, बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए ये जो टीकाकरण है वो 45 साल से ऊपर वालों को किया जा रहा है, तो उससे घटा के जैसे कल सोनिया जी ने कहा 25 साल पे देना चाहिए, उसके पहले मैंने प्रधानमंत्री पत्र लिखा नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो टीका होना भी तो चाहिए। अब आप तो वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसकी आप स्थिति जानते ही है, 2-2.5 मिलियन एक प्रोड्यूस होता है और करीब 4-4.5 मिलियन कंज्यूम हो रहा है, तो शॉर्टेज तो होनी ही है, तो इन आंकड़ों के चलते अब क्या किया जाए? देखिए, एक बात कल गुलाम नबी आजाद ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बात कही, पूर्व वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो और कंपनियां हैं जो ये बना सकते हैं तो आप उसे रॉयल्टी ले लें और दूसरे कंपनियों को भी ये उत्पादन करने का के अनुमति दे दें, तो हमारे देश में भी ये उसका उत्पादन बढ़ सकता है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन डोज हमारे पास उपलब्ध हो सकेंगे, लेकिन केवल 2 ही कंपनी उत्पादन कर रहे हैं, यदि इसको और जो कंपनियां हैं जो बना सकते हैं लेकिन उसको फार्मूला दे दिया जाए, उसकी रॉयल्टी ले ली जाए और उसे उत्पादन कराया जाए, तो क्यों उत्पादन नहीं बढ़ सकता? विदेश से जो आ सकते हैं उसको क्यों नहीं लाया जा सकता? सकता है बघेल साहब, क्या ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि सरकार चाहे तो ये कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती भाई, जो कंपनी इसको खोज किए हैं उसको रॉयल्टी ले ले, क्या दिक्कत है? और जब देश में जरूरत है, आज जो लोगों ने चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड है यदि तैयार किया है तो निश्चित रूप से उसका अधिकार बनता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, आज इमरजेंसी की स्थिति है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, वैक्सीन की जरूरत है, दूसरे कंपनियां भी बना सकती है, उसे फार्मूला देने की जरूरत है, उसे देखरेख में बने और उसका उत्पादन बढ़ जाए देश में, और रॉयल्टी ले ले भारत सरकार, मतलब जो कंपनी वाले हैं जिन्होंने ये खोज किया है वो रॉयल्टी ले ले। लेकिन देखिए, ये अक्सर दो कंपनियों के बीच का समझौता होता है, इसमें सरकार बीच में क्या भूमिका निभा सकती है और क्या आपको लगता है कि तुरंत निभाना चाहिए?
भारत सरकार बिल्कुल पहल कर सकती, क्यों नहीं कर सकती। और आज मानवता का सवाल है, मानवता की रक्षा करने का सवाल है, और इस मामले में तो उदारता पूर्वक विचार होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम उत्पाद जितना ज्यादा हम यदि वैक्सीन उत्पादन करेंगे उतने जल्दी हम अपने लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। देखिए ये बात नहीं है, वैक्सीन के दूसरे डोज लगने के बाद जो हेल्थ वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर है, उसमें संक्रमितों की संख्या में काफी गिरावट आई हुई, एक अध्ययन का विषय है। लेकिन कुछ एक उदाहरण है हमारे यहाँ, जैसे डॉक्टर पांडे है जो शिशु रोग विशेषज्ञ थे, दो डोज लेने के बाद 35-37 दिन बाद उसको कोरोना संक्रमण हुआ और उसकी मृत्यु हुई। एक आध उदाहरण ऐसे भी हैं, लेकिन सामान्यतः तो देखा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है उसमें संक्रमण के प्रतिशत बहुत उसमें गिरावट आई है। तो हमको तेजी से इसको वैक्सीन लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से आपने एक बहुत ज़बरदस्त सुझाव दिया है। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार इसको इस पर अमल करेगी या नहीं। क्या आप पत्र लिख करके उनको ये सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे। हम तो पत्र, जैसे उम्र की सीमा घटाने के लिए मैंने कहा, उसी प्रकार से जितने भी कोरोना में जो दवाइयां लग रही है, जो वेंटिलेटर के उपयोग हो रहा है, आईसीयू बेड के उपयोग हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो जीएसटी लग रहा है उसमें हमने कम करने के लिए बात कही। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी दी और कल जब प्रधानमंत्री से उन्होंने पत्र लिखा तो उसके बारे में भी कहा। अभी केवल रेमडेसिविर के रेट में कमी आई है, जबकि और जो दवाइयां जो उपयोग में हो रहा है उसमें से भी आप देखेंगे 12% अधिकांश में 12% उसमें जीएसटी लग रहा है। और ऑक्सीजन सिलेंडर, आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन तो उत्पादन हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कमी क्या हो रही है? ऑक्सीजन सिलेंडर की। अब ये इसका उत्पादन कहा केवल गुजरात में एक दो कंपनियां करती है। तो जब ऑक्सीजन उपलब्ध भी हो जाएगा, यदि सिलेंडर नहीं रहेगा तो ले जाएंगे, क्योंकि ये मेडिकल सिलेंडर है तो ये डिमांड बढ़ने वाली है, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर की उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। और हम लोगों ने जैसे रेमडेसिविर के लिए महाराष्ट्र और तेलंगाना भेजे थे अधिकारियों को, उसी प्रकार से गुजरात में भी सिलेंडर के लिए हम अधिकारी भेजे हैं ताकि हमको सिलेंडर उपलब्ध हो सके। बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ सिलेंडर की भी कमी होगी। बहुत, हम औद्योगिक जो सिलेंडर उसका उपयोग इसमें नहीं कर सकते, नहीं मेडिकल कर सकते। में तो इसलिए केवल दो यूनिट ही बना रही है पूरे देश में। तो ये उसका उत्पादन बढ़ना चाहिए और उसके लिए भारत सरकार को तत्काल पहल करना चाहिए। अब देखिए, अगर यही चीज पिछले नवंबर या दिसंबर में हो गई होती तो आज एक ऐसी स्थिति होती कि हमारे पास सिलेंडर भी होता और ऑक्सीजन भी होती और शायद इस तरीके की शॉर्टेज ना आती।